नमस्कार दोस्तों, आरोग्य एमपीएस में आपका स्वागत है और मैं रोबिन त्यागी आज अपनी अगली क्लास में आपको पॉलिटी का जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो करवाने जा रहा हूँ। तो लास्ट टॉपिक था हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल। देखो, मैंने इससे पहले आपको सारे के सारे एक्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो एक्ट के बाद हमने 1947 का भारत शासन अधिनियम भी पढ़ चुके थे हम, ठीक है। तो उसमें क्या था, लास्ट टॉपिक इसका बचता है अंतरिम मंत्रिमंडल। तो इसमें थोड़ी सी इसके बारे में आज देखते हैं, ठीक है। तो देखो कि अंतरिम जो मंत्रिमंडल था उसमें जो अपने फर्स्ट नंबर पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू, वो क्या थे, अपने देश के प्रधानमंत्री। ये तो सभी बच्चों को पता है। देखो, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और क्या थे, अपने राष्ट्रपति कौन थे, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल की बात आई है, 1947 की बात कर रही है, कि राजेंद्र प्रसाद को बाद में पद मिला था, वो सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पहला पॉइंट है अपना जवाहरलाल नेहरू। तो क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो पता होगा, लेकिन कम बच्चों को पता होता कि विदेशी मामले भी इनके पास थे, मतलब जो विदेश मंत्री थे वो अपने जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद नंबर दो पे बात करेंगे किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, जो अपने क्या थे, गृह मंत्री। मतलब आज के टाइम में अपने गृह मंत्री का तो सबको पता होगा कि कौन है। आज के टाइम अगर मैं बात करता हूँ तो गृह मंत्री है अपने अमित शाह। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था, ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको आपके लिए ऐड किया है, ठीक है। नंबर तीन पे देखते हैं हम क्या, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक। उसके बाद नंबर चार पे देखते हैं हम अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे अपने शिक्षा मंत्री, और पेपर में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जी, अगर वो अंतरिम मंत्रिमंडल से क्वेश्चन करता है तो वो बहुत बार ये किस क्वेश्चन को भी पूछता है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, और कौन था वो, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नंबर फाइव पे बात किसकी, डॉक्टर जॉन मिथाई की, और जो क्या थे अपने रेल मंत्री। उसके बाद बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी क्या थे अपने विधि मंत्री, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इनके बारे में, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इन डिटेल में बात करेंगे इनकी। और जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, और राजकुमारी अमृत कौर थी क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद आर के षणमुगम चेट्टी क्या थे अपने वित्त मंत्री। तो इनकी अगर थोड़ी सी मैं डिटेलिंग में जाऊं, तो डिटेलिंग की अगर देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, तो जवाहरलाल नेहरू तो तुम्हें पता होगा कि हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस, ठीक है, कि बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्मदिन था उसे हम सेलिब्रेट करते हैं किस रूप में, बाल दिवस के रूप में। उसके बाद अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू जी की, अगर मैं इनकी जन्म तिथि की बात करूं तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम क्या है कि 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस, ठीक है। अगर मृत्यु की बात करूं तो 1964 में, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं क्या इनके बारे में, और 1955 को इन्हें मिला था भारत रत्न। ये का पेपर के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत रत्न कब मिला था इन्हें, 1955 को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, तो हमें पता है कि दिसंबर 1929 को इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया था कि रावी नदी के तट पर क्या, कि रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो इस बात, तो ये चीज़, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री, जिस टाइम भारत आज़ाद होने वाला था उस टाइम पे क्या था कि काफ़ी सारी रियासतें थी जिन्हें क्या करना था, भारत में मिलाना था। तो अगर बात करूँ तो मैं 565 रियासतें थे, जिसमें से 562 तो मिल गई थी,
और किसके प्रयास से मिली थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से मिली थी। कितनी 562 रियासतें मिल चुकी थी, 565 रियासतें अपने टोटल थी, उसमें से 3 नहीं मिली थी। अगर मैं बात करूँ किस किस की, एक तो जूनागढ़ थी, जूनागढ़, एक नंबर 2 पे थी हैदराबाद, हैदराबाद, और एक थी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जूनागढ़ में क्या हुआ, भारत में मिलाने के लिए यहाँ कर आ गया जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह के आधार पर क्या हुआ था कि जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। जनमत संग्रह की अगर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग में जाऊँ तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे वोटिंग कराई गई, क्योंकि यहाँ पे जो थी, जो यहाँ का राजा था वो एक मुस्लिम राजा था और जनता थी यहाँ की हिंदी, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्या हुआ, यहाँ जनमत संग्रह करा दिया, वोटिंग भारत के पक्ष में हुई और जूनागढ़ भारत में मिल गया। उसके बाद हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में थोड़ी मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद में किया ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका बहुत बार कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को किस आधार पर भारत में मिलाया गया था, तो उसमें जनमत संग्रह भी ऑप्शन में रहता है, ऑपरेशन पोलो या काफ़ी रहता है, तो इसलिए ऑपरेशन पोलो, इसमें क्या हुआ था कि भारत की सेना भेजी गई और उसके फिर हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन का ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो यहाँ का राजा था हरी सिंह, इसके साथ विलय पत्र पर साइन हुए थे और जम्मू कश्मीर उसके बाद भारत में मिल गया था। देखो, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि जैसे भारत में ऑपरेशन पोलो लगाया हैदराबाद में, कि भारत में क्या किया, भारत में हैदराबाद में आर्मी भेजी और क्या किया था, आर्मी भेजने के बाद कि वहाँ से फोर्सफुली क्या किया कि इसे भारत में मिला लिया गया था। ऐसे ही पाकिस्तान ने सोचा कि हम क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लेते हैं, पाकिस्तान में मिला लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कबीलों के रूप में अपनी सेना भेजी। जिस टाइम में कबीले काफ़ी संख्या में हो गए थे, तो उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उन पर क्या करना उन पर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा था हरी सिंह, उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने फिर विलय पत्र पर साइन कराए और भारत ने अपनी आर्मी भेज दी और उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत में मिला था और सभी का ये इन चीज़ों का सभी का श्रेय आपको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें द ग्रेट, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, या लोह पुरुष के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, लोह पुरुष किन्हें जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और थोड़े से इनके अगर डिटेलिंग में जाऊं तो इन्होंने एक 2 सत्याग्रह भी किए थे, खेड़ा सत्याग्रह किया था, एक किया था बारदोली का सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली का सत्याग्रह काफ़ी बच्चों को पता होगा कि खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली के सत्याग्रह के अगर, लेकिन अगर में क्वेश्चन आ जाए कि पहले कौन सा हुआ था, तो 1918 में हुआ था ये और 1928 में होता बारदोली का। बारदोली में जो हुआ था, यहाँ की जो महिलाएं थे इन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी और जिस टाइम पे गांधी जी अपने मंच पे आए, तो उन्होंने बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार कह के पुकारे। तो काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन रिपीटेड है कि जो बारदोली का सत्याग्रह था उसमें क्या कि सरदार की उपाधि मिली थी और किसके द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन वहाँ मिलता है बारदोली की महिलाओं द्वारा। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो वहाँ ऑप्शन मिलता है महात्मा गांधी द्वारा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन का पेपर में रिपीट हो चुकी है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम बात करते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में अगर और देखते हैं थोड़ा सा, कि इन्हें भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता था, भारत का बिस्मार्क। और भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन बने थे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये दोनों तीनों भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इनकी याद में एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया था, इसलिए हमें एकता दिवस, एकता की मिसाल
कायम की थी इन्होंने, तो हम इसी इनकी याद में बनाते हैं 31 अक्टूबर को एकता दिवस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करूं तो इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, ये बिहार से थे। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, नंबर चार पे हम बात करेंगे किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम अगर थोड़ा डिटेलिंग में बात करूँ तो 1940 से 1945 तक ये क्या रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबा जो कार्यकाल था, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा बार बने थे तो कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और इसके बारे में अगर थोड़ी सी और मैं बात करता हूं क्या, कि जो पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उसका आंसर रहेगा अबुल कलाम आज़ाद। और हाँ, सबसे कम उम्र के, सबसे युवा भी थे यही जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया कोई, वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और कार्यकाल की मैंने बात ही कर ली कि 1940 से और 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, डॉक्टर जॉन मथाई की, जो अपने रेल मंत्री थे। उसके बाद बात करेंगे बी.आर. अंबेडकर की। देखो, बी.आर. अंबेडकर के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि जो बी.आर. अंबेडकर जी थे, अपने विधि मंत्री थे, बी.आर. अंबेडकर जी को जो समिति थी हमारी, कौन सी समिति थी, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में हमने रिपीटेड है कि पिछली क्लास में हमने किया था कि जो बी.आर. अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जिसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर रहेगा बी.आर. अंबेडकर। और जगजीवन राम की अगर मैं बात करूं तो प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, कौन, जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री। और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको बता दिया है। अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में अगर होगा, लास्ट का कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाए उप प्रधानमंत्री की, तो लाल कृष्ण अडवाणी जी अपने लास्ट उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृत कौर और आर के षणमुख चेट्टी। देखो, मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, इनके बारे में काफ़ी डिटेलिंग भी की है, लेकिन क्या है कि मैं सोचता हूँ कि क्या आपको क्या करना है कि चीज़ों को रिलेट करना है, कि आपको चीज़ों को रिलेट कैसे करते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की थी जवाहरलाल नेहरू की, तो प्रधानमंत्री अगर विदेश मंत्रालय, कभी कभार आप भूल भी जाते हैं, तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कि क्या, कि इन्होंने अपनी जितनी भी शिक्षा ली थी वो विदेश में ली थी। ठीक है, तो उससे रिलेट कर लेंगे हम, क्या जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे, विदेश गए थे, तो विदेश मंत्रालय या विदेशी मामले जो का पद था वो किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास था, सॉरी। नंबर दो पे हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आपके बाद ये बात हो ही चुकी है गृह मंत्री, ये तो आप भूलोगे नहीं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल में के बारे में एक बात और बताता हूँ कि अभी एक मूर्ति भी बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो उसकी काफ़ी बार उसकी हाइट पूछता है, तो 182 मीटर इसकी हाइट है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और नदी की अगर बात करूँ तो किस नदी के किनारे है ये, नर्मदा नदी। ठीक, तो यहाँ से आगे बात करेंगे अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, तो वहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है। ठीक है, कृषि ज़्यादा होती है, तो इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था, कृषि मंत्रालय। ये रिलेट करने की बात है, ये एक्चुअलिटी नहीं है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे कम उम्र में, जो सबसे कम उम्र के युवा थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। तो वहाँ से हम रिलेट करेंगे क्या कि पढ़े लिखे ज़्यादा थे, इसलिए ये इन्हें क्या, कौन सा पद मिला था, शिक्षा मंत्रालय मिला था। और अगर इनके अगर जीवनी पढ़ोगे तो आप इसमें जानोगे कि ये बहुत कम उम्र में क्या करने, इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी,
साल के थे जब से इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई का रेल मंत्री और बी.आर. अंबेडकर का तो आपको पता ही है कि विधि बनाने में, भारत का संविधान बनाने में इनका काफ़ी योगदान था, तो विधि मंत्रालय इनके पास था। जगजीवन राम, मैंने इसके इनके बारे में बताया कि अपने जो प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये। और जगजीवन राम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो श्री राम जी ने पूरी अपने जो उनका टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा श्रम किया था, परिश्रम किया था, वहाँ से इसे रिलेट कर लेंगे। सरदार बलदेव सिंह की अगर बात करूं तो देखो, बलदेव और वो क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा, तो यहाँ से इसे रिलेट करेंगे। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, देखो अमृत पीने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ से इसे रिलेट कर लेंगे। और आर के शनमुगम चेट्टी में आपको ध्यान रखना है क्या, अपना आर के कैंपस जिसे आप जानते हो, जहाँ आप पढ़ते हो, तो आर के शनमुगम चेट्टी की अगर बात करें तो इनका क्या रहेगा, इनका वित्त मंत्रालय रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी है, आपको क्या करना है कि इतनी सभी जानकारियों को अपनी कॉपी में नोट करना है, सभी के सभी आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन है ये, और आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। जो मैंने आपको जितने मेन पॉइंट्स बताए हैं, जो अलग से जानकारी बताई है, उन्हें भी आप नोट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहे, सेफ रहे और सीखते रहे। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में हम मिलते हैं।